हम देख रहे हैं आज अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है ना, एपी लिखा है आपके सामने, आईसीएसई चैप्टर नंबर 10 नहीं चैप्टर नंबर 6 है ना, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। इसको हम लोग एपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या बोलते हैं एपी। ये जनरली होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज का एक पार्ट है। सीक्वेंस ऑफ सीरीज में हम देखेंगे एपी। तो सबसे पहले ये देखिए कि सीक्वेंस क्या होती है। स्कूल में टीचर ने बोल दिया सीक्वेंस से बैठ जाओ, बॉयज बॉयज अलग बैठ जाओ, गर्ल्स गर्ल्स अलग बैठ जाए यहाँ, तो ये सारे का एक तरह का सीक्वेंस होता है। एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये भी क्या है सीक्वेंस है। दो चार छः आठ हाइट वाइज लग जाए, ये भी क्या एक सीक्वेंस हो गया आपका। तो ये सारी चीज सीक्वेंस का पार्ट है। अब ये सीक्वेंस कैसा हो सकता है, सपोज सीक्वेंस हो गया 1 2 3 4 5 डेट डेट इज कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे, इस टर्म को हम बोलते हैं। और इसकी टर्म्स होगी दैट इज कॉल्ड टर्म एन। एन टर्म कितनी होगी इसकी, एन, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, एन एलिमेंट हो सकते हैं, अननोन है ये एन जो होता है, क्या होता है अननोन होता है, जिसको हम जानते नहीं। अब एक चीज उसने लिख दिया 2 4 6 8 10 दैट इज कॉल्ड, देखो काय की टेबल बन रही, मतलब हर एक एलिमेंट में काय का मल्टीपल हो रहा है, टू का मल्टीपल हो रहा है। तो यहाँ पर इसका टीएन क्या होगा, टू एन, एन लिखेंगे। अब इसी तरह से यदि उसने लिख दिया 1 3 5 7 9 दे दे, इसको देख के क्या लगा आपको, तो हम इसकी जो टर्म्स होगी इसको लिखेंगे 2n-1। लेकिन बाय द वे यहाँ पर दूसरी चीज हो गई 3 5, वो भी बताएंगे कि 2n-1 क्यों आया, वो चीज है ना, जस्ट आगे देखते हैं इसको। इसी तरह से ये जो टर्म्स होती है कि ऐसा क्यों लिखा हमने, तो देखिए यहाँ 1 था ठीक, इसका मतलब क्या हुआ 4 में से 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे किसको माइनस किया 6 में से 1 माइनस कर दिया, यहाँ 8 में से 1 माइनस कर दिया, यहाँ 10 में से 1 माइनस कर दिया। तो 2 4 6 की सीरीज क्या हो गई 2n-1 हो गई आपकी सीरीज। मतलब ये हिट एंड ट्राई फॉर्म भी हो सकता है, नॉर्मल फॉर्म से देखिए तो 2n-1 सीरीज बन गई। ये तो हमने बात की, इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सीक्वेंस बोलते हैं हिंदी में, इसको श्रेणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्रेणी, या सीरीज भी बोल सकते हैं इसको, क्या हो गया सीरीज। अब हम आते हैं आगे, मेन पार्ट है आपका क्या एपी। एपी क्या होती है, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अब इस एपी को कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैंने लिखा ए, ए के बाद ए प्लस डी, a+2d, ये आगे तक जाएगा तो कहाँ जाएगा a+n-1 into d। ऐसा क्यों हुआ, देखिए a कम था, यस सर, a के बाद कौन आया a+d, कि कौन सी स्टेप पे आया, दूसरी सेकंड वाली पे आया, मतलब एक कम स्टेप था, तो इसकी लास्ट में यहाँ भी a तो एक जैसा चला, लेकिन d क्या हो गया एक कम हो गया। क्या लिखा उसको अपन ने, n-1 into d। ये जो सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं एपी। क्या कहते हैं इसको, एपी। इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, टीएन, a+n-1 into d। क्या बोलते हैं इसको, a+n-1 into d। अब यहाँ देखिए यहाँ पर a जो होगा इट इज कॉल्ड फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट टर्म, और a क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, और d क्या होगा कॉमन डिफरेंस। अब ये नई पिक्चर क्या आई कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि जितनी भी सीरीज है यहाँ से लेके यहाँ तक सब में डिफरेंस एक जैसा हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 लिखा बने, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन द एवरी डिजिट ऑफ गिवन 1 2 3 अप टू 10। क्या होगा सीक्वेंस एक जैसा होगा, मतलब हर एक का अंतर कितना हुआ 1 का। यदि हम 2 की टेबल बोलेंगे तो 2 की टेबल देखेंगे तो 2 का डिफरेंस, 3 की टेबल बोलेंगे तो 3 का होगा, मतलब वहां पर यदि कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे एपी फॉर्म होगा। ये बात समझ में आ गई। अब किसी की लास्ट टर्म निकाल दी, ये जो होती है ना टीएन, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, इसको एन से भी डिनोट करते हैं, बहुत सारी बुक्स टीएन से भी डिनोट करती हैं, जो आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक में यदि टीएन यूज़ किया तो हम टीएन यूज़ करें, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, तो इसको एल से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है, एल से, एल यानी लास्ट टर्म, ओके। अब इसका कभी कभी सम भी निकालते हैं, सम को ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब जितनी सीरीज है सबका सम, a+a+d+a+2d+
तो इसका जो फॉर्मूला होता है सेम का होता है n अपॉन 2 2n प्लस n माइनस 1 इनटू d। यदि लास्ट टर्म दे रखी है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस n। ओके, ये दो फॉर्मूले आप लोग इसमें यूज करेंगे, ये सम का हो गया और ये क्या हुआ n टर्म निकालने का फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूलों से हम लोग पूरी एपी को कंप्लीट करेंगे, फिर अब आगे देखेंगे इसके क्वेश्चंस। देखिए अब हम बात करें कुछ क्वेश्चनों की, ठीक। पहले आपको यदि a इक्वल उसने दे दिया 1 और d आपके पास दे दिया 4 और आपसे बोला कि इसके आगे की कितनी टर्म निकालनी, 6 टर्म निकालनी है। तो पहली टर्म a मतलब a प्लस, दूसरी a प्लस d, तीसरी a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, 5d हो गई 6 टर्म। यस सर, बोलो a 1 प्लस 4 हो गया 5, 1 प्लस 2 इंटू 4 हो गया 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9, 1 प्लस 2 इन 3 इंटू 4 1 प्लस 12 इक्वल हो गया 13 और 1 प्लस 4 4 जा 16 17 हो गया आपका 1 प्लस 5 इंटू 4 5 इंटू 4 हो गया आपका 1 प्लस 20 21। तो इसे हम बता देते हैं आपको, ए और डी की वैल्यू पुट कर दी तो 4 प्लस 1 5 हो गया, ओके। अब दूसरी बार क्या है 2d था, ए प्लस 2d 4 2 जा 8 8 और 1 9 1 4 3 जा 12 12 प्लस 1 13 4 4 जा 16 16 प्लस 1 17 1 5 4 जा 20 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 हो गया, ओके। तो इस तरह का जो पहला क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चन इसी बेस पर है, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे इसका। इन केसेस आपके पास दे दिया a इक्वल 4 और d आपके पास दे दिया 2 इंटीजर 1 अपॉन 3, तो 2 इंटीजर 1 अपॉन 3 को कैसे लिख सकते, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना आ गया 7 अपॉन 3 आ गया आपका, आ गया। अब 7 अपॉन 3 आ गया तो बताइए a a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d और a प्लस 5d तक जाएंगे हम, a मतलब होगा a प्लस 4d मतलब 4 3 जा 12 प्लस अपॉन 19 अपॉन 3, चाहो तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ बताइए 4 प्लस 7 इंटू दिस अपॉन 3, 4 3 जा 12 प्लस 14 अपॉन 3 6 26 अपॉन 3, इस तरह से सारी चीज़ निकल जाएगी। अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 3, 12 प्लस 21 अपॉन 3 कितना आ जाएगा अपॉन, मतलब क्यों आया 11, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 4 प्लस 4 इंटू 7 अपॉन 3, 12 प्लस 28 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, बोलिए आई थिंक 40 आएगा क्या। नेक्स्ट 4 प्लस 5 इंटू 7 अपॉन 3, 12 प्लस 35 अपॉन 3 कितना हो गया 47, देखिए सही है क्या, यस सर 47 अपॉन 3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, आगे देखेंगे कुछ डिफरेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपके पास दे दिया एक सीरीज 3, 7, 11, 15 और बोला है कि इसकी 7 टर्म कौन सी होगी, कौन सी टर्म कौन सी होगी, 7 टर्म इसकी कौन सी होगी 7 टर्म। सबसे पहले बताइए हमने एक चीज करी थी कि डी होता है, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, उस डी को कैसे निकालते हैं, हमेशा सेकंड टर्म में से यदि फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया जाए तो डी निकलता है, कैसे निकलेगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, डी निकलेगा। यहां देखिए बताइए ए बराबर कौन है, 3 है दिख रहा है, डी कैसे निकालेंगे बेटा 7 माइनस 3 कितना आया 4, आ गया 4,
आपको फॉर्मूला बताया था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सी टर्म निकालनी है? ए प्लस सेवन। क्या करेंगे यहाँ? सेवन लिखेंगे। अब बताइए ए की प्लेस पर एन की जगह माइनस डी की जगह फोर होगा। फोर थ्री सात में से एक जाएंगे तो छः, थ्री प्लस चौबीस कितना आ गया? 27। यही आपका आंसर है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, माइनस सिक्स माइनस टू, टू और सिक्स, इसकी कौन सी टर्म जो होगी, नाइन टर्म कौन सी होगी, कौन सी टर्म निकालनी है आपको? नाइन टर्म। तो बताइए ए इक्वल कौन? माइनस सिक्स। डी कैसे निकालेंगे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, मतलब माइनस सिक्स की माइनस टू, माइनस टू माइनस माइनस सिक्स, माइनस टू माइनस माइनस प्लस का सिक्स, सिक्स में से टू जाएंगे तो फोर। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। रीजन, जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लगता है। अब देखिए कौन सी टर्म, फॉर्मूला क्या होता है, टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी कौन सी टर्म निकालनी है? नाइन। ए की जगह दिस, यहाँ कितना लिखेंगे? नाइन माइनस वन, और डी की जगह कितना लिखेंगे? फोर। कहाँ से आया फोर? ठीक है, माइनस सिक्स एट इंटू फोर कितना आ गया? बताइए कितना आ जाएगा? छब्बीस। ट्वेंटी सिक्स। जी ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ओके नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ आपके पास क्वेश्चन दे दिया फोर एन माइनस वन, इसकी कौन सी टर्म निकालनी है? फर्स्ट फाइव टर्म निकालनी है। अब फर्स्ट फाइव टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे फर्स्ट फाइव टर्म बताइए? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नहीं, वो आप लगाने की जरूरत कब पड़ती है? जब अपने पास एन या कुछ अननोन डी दे रखी। यहाँ इस क्वेश्चन में सोल्व करने का तरीका है, एन इक्वल कितना रखो? वन। फर्स्ट टर्म निकल जाएगी फोर इंटू वन माइनस वन, फोर माइनस वन मीन्स दैट थ्री। पहली टर्म एन इक्वल कितना रख दें? टू। फोर इंटू टू माइनस वन, एट माइनस वन कितना हो गया? सेवन। एट कैसे आया है ना, फोर टू ज एट होता है माइनस वन। ओके अब हाँ बोलो, एन इक्वल थ्री, फोर इंटू थ्री माइनस वन, ट्वेल्व माइनस वन क्या हो गया? इलेवन। एन इक्वल फोर, फोर इंटू फोर माइनस वन, सिक्सटीन माइनस वन दैट इज कॉल्ड, कितनी टर्म निकालनी है? पाँच। चार हो गई, एक को निकाल दो। फोर इंटू फाइव माइनस वन, बीस माइनस वन कितना आ गया? उन्नीस। ये पांच टर्म आपको निकालनी थी। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें ये नहीं पूछा, इसमें क्या दे दिया उसने, कौन सी टर्म इस सीरीज की कौन सी टर्म कितनी होगी? 52 होगी। अब ये कौन सी टर्म होगी, तो इसको निकालने का तरीका क्या है? वही फॉर्मूला भी वही है, पर नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, एन निकालना है। तो अब एन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, क्या लिखा उसने? विच टर्म्स ऑफ ए पी, कौन सी टर्म होगी इसकी? 52 जो होगी वो कौन सी टर्म होगी, ये आपको निकालना है। तो बताइए ये जो है ना, ये 52 टाइम करेंगे तो कौन सी टर्म? हाँ, तो इस टर्म को क्या लेंगे हम? लास्ट टर्म ले सकते हैं, या इसको हम ले सकते हैं एन टी एन। क्या लिखेंगे इसको? टी एन। टी एन कौन हो गया? 52। हाँ, ए इक्वल कौन आया? टू। डी कौन होगा? सेवन माइनस टू। फॉर्मूला क्या है? एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन, सॉरी टी एन लिखते हैं ना अपन इसको, तो टी एन लिख दो। टी एन की जगह कितना लिखेंगे? 52। ए की प्लेस पर एन मालूम नहीं, और डी की जगह कितना लिखेंगे? पाँच। अब क्या हो जाएगा? 52। ये प्लस ये टू इधर आएगा तो माइनस, यहाँ हो जाएगा एन माइनस वन, साथ में हो गया पाँच, यहाँ हो गया 50 इक्वल एन माइनस वन इंटू फाइव। 50 को कैसे डिवाइड करेंगे? पाँच से। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ कौन बच गया?
इसे क्या दिखा कि n इक्वल कितना हो गया 10 प्लस 1, इसे n इक्वल 11, ओके okay.